सो गाइज, मैं नाम है आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। 30 जनवरी 2022 को हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो WWE के कौन से सुपरस्टार थे जिन्होंने 30 मेंस रॉयल रंबल को अपने नाम किया और वो जीत चुके हैं और वो रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट करने वाले हैं। क्या वो सुपरस्टार फीड होने वाले हैं? क्या फीड का हमें 30 मेंस के रॉयल रंबल में रिटर्न देखने को मिल जाएगा? और क्या रिटर्न होने के बाद वो इस साल के मेंस रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं? तो गाइज, इन सारे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इनफैक्ट ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है फीड पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और भी वीडियो को मिस कर दो। लेकिन चलिए इस साल वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो की शुरुआत करते हैं WWE और फीड के रिलेशन से। राइट नाउ WWE और फीड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जुलाई के मंथ में 2021 के जुलाई के मंथ में WWE फीड को अपनी कंपनी से रिलीज कर देती है और उनका जो 90 डे का नॉन कंप्लीट क्लॉज रहता है वो खत्म हो चुका है। यानी कि अब वो किसी भी कंपनी में जाके रेसल कर सकते हैं या उसके लिए किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको मैं ब्रे वायट और फीड के बीच में रिलेशन समझा देता हूं। असली में जो है ब्रे वायट ही है, लेकिन उनका अर्थर इगो फीड है और फीड से ही हम लोग उनको जानते हैं। तो अब आपको मालूम होगा कि वो WWE से रिलीज हो चुके हैं, उनका 90 डे का जो नॉन कंप्लीट क्लॉज है वो भी खत्म हो चुका है। मैंने आपको ब्रे वायट और फीड के बीच में डिफरेंस भी बता चुका हूं। और वहीं पे फीड की लास्ट मैच की बात की जाए, जो कि सारी चीज यहीं से घूम फिर के आ रही है, रेसलमेनिया 37 में फीड वर्सेज रैंडी ऑर्टन का मैच होता है। इस मैच में फीड हार जाते हैं। सब लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि फीड इस मैच को जीतेंगे, लेकिन एलेक्सा ब्लिस उनको धोखा दे देती है और किसी को भी नहीं पता था कि एलेक्सा ब्लिस धोखा देने वाली है फीड को। और इस मैच को रैंडी ऑर्टन जीतते हैं RKO मार के। और उसके बाद क्या होता है गाइस, मतलब जुलाई के मंथ में WWE इनको रिलीज कर देती है। तो गाइस, मेरे पास 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अगर इन तीनों पॉइंट में से कोई भी अगर एक पॉइंट में टकरा जाता है तो हो सकता है कि 30 मेंस के रॉयल रंबल में फीड का रिटर्न हो सकता है। और गाइज, नंबर 1 पॉइंट की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है WWE के पास, मतलब आप कह सकते हो कि WWE एक स्टोरी लाइन के बहाने से फीड को रिलीज की हो। अब मैं आपको बताऊं कि फीड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया 37 में मैच होता है और उसके बाद काफ़ी लोगों का कहना रहता है और अपडेट भी ये आती है कि WWE के पास इस कैरेक्टर के लिए कोई भी प्लान नहीं था। तो हो सकता है गाइज कि स्टोरी लाइन के बहाने WWE जुलाई में इनको रिलीज कर देती है और सोचती होगी कि मैं और कुछ प्लान करूंगा इस कैरेक्टर के लिए और भविष्य में इनका रिटर्न करवाया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट की बात की जाए तो हो सकता है कि WWE सच में रियल में उनको रिलीज कर दी हो, यानी कि मतलब बहुत सारे सुपरस्टार को WWE रिलीज कर रही थी तो सच में उनको रिलीज कर दी हो। और नंबर 3 की बात की जाए तो हो सकता है गाइस कि WWE कैसे भी करके एनी हाउ मतलब उनको रीहायर कर दी है तो हमें 30 मिनट्स के रॉयल रंबल में उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को थोड़ा सा अगर आप कह सकते हो कि मिलाया जाए तो कुछ तो एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हाँ, उनका रिटर्न हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब 2021 में WWE काफ़ी सारे सुपरस्टार को रिलीज करती है तो उसमें मतलब एक दो सुपरस्टार को WWE कभी भी रिलीज नहीं करती है, बंडल्स में सुपरस्टार को रिलीज करती है। एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि 6 सुपरस्टार 12 सुपरस्टार को WWE रिलीज करती है। लेकिन जब WWE ब्रे वायट को रिलीज करती है अपने कंपनी से, AKA फीड को रिलीज करती है, तो WWE उनको अकेले रिलीज करती है जुलाई के मंथ में। इससे तो कुछ ना कुछ तो हमें हिंट मिल रहा है कि WWE ऐसा कर रही थी कि मतलब ऑडियंस को ना पता चले कि अब तो ये रिलीज हो गया है और WWE इनको बचा के रख रही थी। तो गाइज, मैं आपको बताऊं तो अभी राइट नाउ कोई भी अपडेट कुछ भी नहीं आई है। मैं खुद ये स्पेकुलेट कर रहा हूं कि अगर WWE स्टोरी लाइन के बहाने से या अगर उनको रीहायर करती है तो गाइज इस साल के 30 मेंस के रॉयल रंबल में हमें फीड ब्रे वायट का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और गाइज, यहां पे भी 2 कंडीशन आ रहे हैं कि फीड का WWE 2 कंडीशन से रिटर्न करवा सकती है। अगर रेसलमेनिया 38 में फीड वर्सेज रोमन का मैच करवाना होगा, सेथ अगर इस मैच को नहीं जीतते हैं, सेथ रॉलिंस वर्सेज रोमन का जो मैच होने वाला है इस साल के रॉयल रंबल में, अगर इस मैच को सेथ रॉलिंस नहीं जीतते हैं, रोमन जीतते हैं, तो हो सकता है गाइस कि फीड का रिटर्न हो और फीड कन्फ्रंट कर दे रोमन रेंज को। और जब रोमन रेंज अपना रिटेन करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को तो फीड उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं और ऐसे हमें हिंट मिल जाएगा कि फीड वर्सेज रोमन का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 38 में। नहीं तो WWE दूसरे प्लान के भी साथ जा सकती है 30 मेंस के रॉयल रंबल में। इमेजिन करो कि जब माइकल कोल ये चीज को प्रोनाउंस करेंगे, ओ माय गॉड द फीड इज हियर, और ये वाला एंट्रेंस बजेगा और ये वाला जब एंट्रेंस जो फीड करता है वो होगा एरिना में गूंजने लगेगा, तो क्या होगा? और नंबर 30 पे जब फीड का एंट्रेंस होगा और वो हर सुपरस्टार को एलिमिनेट कर देंगे और काफ़ी दिन के बाद उनका रिटर्न होगा तो WWE थोड़ा उनको तो ऊपर दिखाएगी, तो वो इस साल के रॉयल रंबल को जब जीत जाएंगे, जब 30 नंबर में उनका एंट्रेंस होगा तो कितना मजा आ जाएगा। तो गाइज, मेरे पास ये 2 कंडीशन निकल के आ रहे हैं कि अगर WWE ये दोनों कंडीशन में से किसी एक के साथ जाती है तो हमें टीज देखने को मिल सकता है। और गाइज, बस रॉयल रंबल ही एक लास्ट स्टेशन है जहाँ पे हमें होप है
कि फिंड का रिटर्न होगा, लेकिन उसके बाद अगर मतलब फिंड का रिटर्न नहीं होता है रॉयल रंबल में तो अब तो सारा होप ही खत्म हो जाएगा गाइज कि फिंड का रिटर्न WWE में होगा भी या नहीं, मतलब सब चीज़ खत्म ही हो जाएगा। लेकिन गाइज राइट नाउ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हूँ कि अगर WWE रिहायर करती है तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है सदियों से कमेंट सेक्शन आपके लोगों के लिए फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो कि इस साल के 30 मिनट्स के रॉयल रंबल में फिंड का रिटर्न होगा या नहीं, अगर रिटर्न होगा तो क्या वो जीतेंगे नहीं। तो मैं बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि फिंड का रिटर्न करवाओ भाई और जितवाओ उनको रॉयल रंबल, तो देखो क्या होता है। लेकिन मेरे कुछ यही अभी स्पेकुलेशन है और मेरी कुछ यही थिंकिंग है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।